इन दिनों एक युवा नेता खूब चर्चा में है, नाम है रविंद्र सिंह भाटी। भाटी सिर्फ 26 साल के हैं, लेकिन भाटी का क्रेज ऐसा है कि बड़े बड़े नेता उनकी भीड़ को देखकर खौफ खाते हैं। राजस्थान की बाड़मेर सीट से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय लोकसभा चुनाव में हुंकार भर रहे हैं, लेकिन भाटी की लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ राजस्थान की बाड़मेर सीट ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी उनके नाम की गूंज सुनाई दे रही है। आज बाड़मेर में पीएम मोदी की रैली भी है। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के पक्ष में पीएम मोदी जनसभा करेंगे, यानी भाटी के तूफान को रोकने के लिए पीएम खुद मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी एक युवा नेता है, वो महज 26 साल के हैं। पिछले कुछ दिनों से रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया की नई सनसनी बने हुए हैं। रविंद्र भाटी राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। रविंद्र सिंह भाटी पिछले महीने अक्टूबर में बीजेपी में शामिल हुए। चर्चा तो यहाँ तक थी कि बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से उतार सकती है। हालांकि भाटी बाड़मेर के शिव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हुआ ये कि सरदारपुरा तो क्या, उनको बीजेपी ने शिव विधानसभा सीट से भी टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि रविंद्र भाटी ने बगावत कर दी और फिर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए। 26 साल के रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब वो निर्दलीय मैदान में उतरे हों। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एवीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। छात्र संघ के चुनाव के लिए एवीवीपी ने उनको नहीं चुना था, तो रविंद्र भाटी निर्दलीय ही चुनाव लड़ने उतर गए। फिर वो यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र नेता बने। इस तरह भाटी ने पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता, फिर निर्दलीय विधायक बने। अब भाटी संसद पहुंचना चाहते हैं। भाटी की लोकप्रियता ऐसी है कि जहां भाटी जाते हों भीड़ उनके पीछे पीछे जाने लगती है। बाड़मेर में चुनावी ताल ठोक रहे रविंद्र भाटी जब बेंगलुरु पहुंचे तो उन्हें सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाड़मेर से बेंगलुरु की दूरी 1800 किलोमीटर की है, फासला इतना बड़ा है, लेकिन रविंद्र भाटी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं दिखी। बेंगलुरु ही नहीं बल्कि ऐसी ही लोकप्रियता हैदराबाद में भी देखने को मिली, जब एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। भाटी गुजरात के सूरत पहुंचे तो वहां उनके नाम की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देने लगी। 26 साल के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। भाटी की चुनावी रैली में उमड़ रही भीड़ से भाटी ने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे डाली है। बीजेपी ने सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को तो कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मेदाराम बेनीवाल को चुनावी रण में उतारा है। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का चुनाव इस बार बड़ा रोचक और त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस जहां भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने को अपना फायदा समझ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भाटी को रोकने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रखी है। बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से मूल ओबीसी और बीजेपी के मूल वोट बैंक को साधा जा सके, ताकि बीजेपी का मूल वोट बैंक भाटी के साथ ना चला जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद ही कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।